दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फ्री रिचार्ज के ऑफर के बारे में बताने वाला हूं, जहां से आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो और फ्री रिचार्ज से ज्यादा कैशबैक किस तरह से अर्न करेंगे उसके बारे में बताने वाला हूं। आप यहां पे पेमेंट प्रूफ में देख सकते हैं, मैं बहुत सारा कैशबैक इससे अर्न कर चुका हूं और आपको बताऊंगा कि आप भी किस तरह से इससे कैशबैक ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाएंगे। और दोस्तों इसमें एक स्पेशल ऑफर भी चलता है, हर एक मंथ स्टार्टिंग में आप 1 से 2 तारीख के बीच में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 1500 रुपया का फ्लैट कैशबैक दिया जाता है। आप अगर UPI ट्रांजेक्शन करते हो तो आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने 300 रुपये का ट्रांजेक्शन किया आज के डेट में और मुझे 15 रुपये का फ्लैट कैशबैक दे दिया गया। आप यहां पे देख सकते हैं 15 रुपये कैशबैक रिसीव और डेट में यहां पे देख सकते हैं 1 फरवरी। तो आप हर एक मंथ में स्टार्टिंग में 1 से 2 तारीख के बीच में आप 300 रुपये का किसी भी UPI ID पे सेंड मनी कर लेना, आपको 15 रुपये का फ्लैट कैशबैक रिसीव हो जाएगा। ये ऑल यूजर ऑफर है, तो सारे लोग जिन लोगों के पास फ्री रिचार्ज में पहले से अकाउंट है वो लोग किस तरह से पैसा अर्न करेंगे उसके बारे में आपको बताता हूं। तो दोस्तों आपने अपना बैंक लिंक करके रखा होगा, सिंपल से आपको UPI ID वाले बटन पर क्लिक करना है, यहां से UPI ID पे जाना है और यहां से आप किसी भी UPI ID पे 300 रुपये का सेंड मनी कर देना है। यहाँ से जाना आप और यहाँ से जाने के बाद आपको अमाउंट में 300 रुपया सेलेक्ट कर लेना है। इस ऑफर से दोस्तों आप हर एक मंथ के स्टार्टिंग में 15 रुपया 5% के हिसाब से आपको कैशबैक रिसीव होता है, तो आपको 300 रुपया का ट्रांजेक्शन कर लेना है। 300 रुपया का ट्रांजेक्शन आप कर लेंगे दोस्तों, आपको 15 रुपया का कैशबैक रिसीव हो जाएगा। यहाँ से सिंपल से आपको ट्रांजेक्शन कर लेना है। और दोस्तों एक बार में आपको अगर कैशबैक रिसीव नहीं हो तो आप एक दूसरे नंबर पर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे केस में एक नंबर पर सेंड मनी करने पर कैशबैक रिसीव नहीं होता है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, अगर एक बार में रिसीव ना हो तो आप फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर लीजिएगा और जो नंबर पर आप सेंड किए उस पर सेंड ना करके आप दूसरे नंबर पर सेंड करके देखिएगा आपको कैशबैक रिसीव होता है कि नहीं। कभी कभी इंस्टेंट रिसीव हो जाता है, कभी कभी थोड़ा टाइम ही लगता है 10-15 मिनट कैशबैक क्रेडिट होने में। तो 10-15 मिनट आप वेट कर लीजिएगा, 10-15 मिनट के अंदर में अगर आपको कैशबैक रिसीव नहीं होता है तब जाके आप फिर से ट्रांजेक्शन कीजिएगा, लेकिन दूसरे UPI ID पे करके देखिएगा और 300 का कीजिएगा। 100 का करेंगे तो आपको सिर्फ 5 रुपये कैशबैक रिसीव होगा, मिनिमम 300 का कर लीजिएगा जिससे आपको 5% के हिसाब से 15 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी इंस्टेंट ट्रांजेक्शन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपके सामने मैंने किया 1 फरवरी 8:35 में और मुझे इसमें भी 15 रुपये का कैशबैक दे दिया गया। तो आप सभी लोगों को मंथ के स्टार्टिंग में 15 रुपये का तो प्रॉफिट होगा दोस्तों, लेकिन जो लोग अभी तक फ्री रिचार्ज ऐप इंस्टॉल नहीं किए उन लोगों ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक अर्न कर पाएंगे किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इस अकाउंट में मैंने कैशबैक में 474 रुपये अर्न कर चुका हूँ और इस वाले अकाउंट में मेरे पास 3-4 डिवाइस है, सारे डिवाइस से मैंने कैशबैक अर्न किया है। और ऐसा नहीं कि 5 रुपया 10 रुपया अर्न किया, कम से कम मिनिमम 400-500 रुपया अर्न किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस डिवाइस पे मैंने 626 रुपया अर्न किया है। बहुत ही 10 रुपये का रिचार्ज करने पे मुझे कभी 51 रुपये का कैशबैक मिला है, कभी 10 रुपये का रिचार्ज करने के लिए 29 रुपये का कैशबैक रिसीव हुआ है। तो दोस्तों आप अगर न्यू यूजर है तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लेना है, हो सकता है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ वहाँ से। दोस्तों आप अगर न्यू यूजर है, फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाएंगे तो दोस्तों आपको मोबाइल रिचार्ज करना पड़ेगा। फर्स्ट मोबाइल रिचार्ज वाले बटन पर आप आइएगा, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारा प्रोमो कोड दिया जाता है। तो अगर आप न्यू यूजर है तो आप प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं NEW25। तो दोस्तों आप अगर 25 रुपये का रिचार्ज करेंगे तो आपको 25 रुपये का कैशबैक दे दिया जाएगा 100% के हिसाब से। तो आप इस कोड को यूज कर लेना, रिचार्ज करने जाना, रिचार्ज के टाइम पे आपसे पूछेगा डू यू हैव ए प्रोमो कोड, तो आपको इस कोड को लगा देना है और इस कोड को लगा के रिचार्ज कर लेंगे। रिचार्ज जैसे ही सक्सेसफुल होगा दोस्तों आपको 25 रुपये कैशबैक दिया जाएगा। इसमें कभी कभी NEW40 का भी कोड आता है और आप एयरटेल का रिचार्ज करना चाहते हैं मिनिमम 98 रुपये का, तो आप यूज कर लेना कोड AIR30, तो जिसके लिए आपको 30 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा इंस्टेंट। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जियो का रिचार्ज करना है तो जियो के लिए प्रोमो कोड है JIONEW, इसको यूज करेगा तो आपको 30 रुपये का फ्लैट कैशबैक रिसीव हो जाएगा, लेकिन ये सब न्यू यूजर के लिए। और वी का भी रिचार्ज करते हो तो आप VI30 लगा देना जिससे आपको 30 रुपये का कैशबैक रिसीव हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप ओल्ड यूजर हैं तो आप मिनिमम 48 रुपये का रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप इस कोड को हमेशा हर एक मंथ यूज कर सकते हो FC10। FC10 जैसी लगा के आप रिचार्ज करोगे दोस्तों तो आपको 10 रुपये का फ्लैट कैशबैक रिसीव हो जाएगा। और दोस्तों अगर 10 रुपये का रिचार्ज रिसीव हो गया तो ये तो नॉर्मल ऑफर है, बट मैंने जो इस तरह से कैशबैक अर्न किया वो किस तरह से मिलेगा उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों हर एक मंथ के 3-4 तारीख के बाद अगर आप रिचार्ज करते हैं इसमें, आप रिचार्ज वाले सेक्शन पर जाएंगे और कोई भी रिचार्ज वाले बटन पर क्लिक कीजिए। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, यहाँ से कोई भी प्लान सेलेक्ट कर लीजिए, मैं यहाँ से सिंपल सा सेलेक्ट करता हूँ बताने के लिए। तो यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको प्रोमो कोड शो होने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर कैशबैक अप टू 24 रुपया, नो प्रोमो कोड रिक्वायर्ड, आपको ऐसा बैनर शो करेगा। और दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसमें ज्यादा अमाउंट का रिचार्ज ना करें, आप 10-15 रुपये का जब भी आपको जरूरत पड़े रिचार्ज करने का डाटा रिचार्ज, तो आप इस एप्लीकेशन को यूज करके डेटा रिचार्ज कर लीजिएगा। डेटा रिचार्ज करने पर हो सकता है कभी कभी इसमें 1 रुपया भी कैशबैक रिसीव होता है, कभी 2 रुपया रिसीव होता है। तो अगर आप 155 का रिचार्ज करेंगे आपको 1 रुपया कैशबैक रिसीव होगा, तो आप बोलेंगे कि टाइम वेस्ट हो गया मेरा और कुछ कैशबैक रिसीव नहीं हो। तो आपको दोस्तों इसमें मिनिमम अगर रिचार्ज जब भी करना हो आपको 10 रुपया का रिचार्ज करना पड़ता है कभी टॉपअप के लिए, तो आप यूज कर लीजिएगा इस एप्लीकेशन को। कभी 15 रुपये का डाटा रिचार्ज करना है 25 रुपये का, तो आप इस एप्लीकेशन से हमेशा यूज कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको 25 रुपये का रिचार्ज करने के लिए भी आपको कभी कभी ह्यूज अमाउंट का कैशबैक दिया जाता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं मैं जब भी रिचार्ज करता हूँ तो छोटे अमाउंट का रिचार्ज करता हूँ और छोटे अमाउंट में पहले बहुत ज्यादा कैशबैक दिया जा रहा था, बट अभी हाल फिलहाल में अभी 1 रुपया 2 रुपया करके कैशबैक दिया जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 9 रुपया मिल रहा है, बट स्टार्टिंग में यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा कैशबैक दिया जाता है। जब मैं
₹15 का रिचार्ज करता था, तो इसमें देखिए कभी ₹10, कभी ₹24, कभी ₹27, कभी ₹26। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको जो कैशबैक रिसीव होता है उसको अगर बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि मैं फ्री रिचार्ज बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो इस बैलेंस को आप आसानी से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं और आपका बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। उसका वीडियो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप 10 लोग कमेंट कर देते हैं कि मुझे फ्री रिचार्ज वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा जहां से आप अपना फ्री रिचार्ज वॉलेट को जो भी कैशबैक बैलेंस अर्न किए हैं उसको बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको जस्ट नीचे कमेंट करना है कि फ्री रिचार्ज वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर ऑप्शन, मतलब कि वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। और टेलीग्राम को यहाँ पे जो ₹15 कैशबैक रिसीव हुआ इसको मैं बैंक में ट्रांसफर करके आपको लाइव दिखाऊंगा आने वाला वीडियो में। आपको नीचे कमेंट कर देना कि मैं फ्री रिचार्ज वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर चाहता हूँ। और दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे बहुत सारे ऑफर एंड कैंपेन चलते हैं जहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। और फ्री रिचार्ज को मस्ट यूज करना स्टार्ट कर दो क्योंकि यहाँ पे आप कैशबैक अर्न कर सकते हो, मैंने आपको लाइव दिखा दिया। थैंक यू सो मच।